नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मुगल हमारे पूर्वज नहीं बल्कि लुटेरे थे। वित्त मंत्री ने जारी किया 100 रुपए का नया सिक्का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोहिंग्या मुसलमानों को बताया देश के लिए सबसे बड़ा खतरा। पीएम मोदी के कड़े रुख को देखते हुए चीन ने बदला अपना रवैया और मानसरोवर यात्रा पर बातचीत को हुआ तैयार। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जो सच्चे देशभक्त पत्रकार हैं, उसे बंगाल में हो रहे हिंसा की रिपोर्टिंग करनी चाहिए। राहुल गांधी पर फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर ने ली चुटकी, कहा पहले देश के लोगों को समझें फिर विदेश में जाकर भाषण दें। भारतीय सेना ने कश्मीरी लोगों से किया अपील, कहा पाकिस्तानी सेनाओं को जवाब देने के लिए हर घर में बनाओ बंकर। राम मंदिर मामले में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वही मान्य होगा। और एप्पल ने लॉन्च किया नया आईफोन।